रायपुर जिले की बल्लभनगर और धरियावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शनिवार को मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया। अब 2 नवंबर को मतगणना होगी, उसमें ईवीएम चुनाव परिणाम बताएगी। प्रत्याशियों, नेता और कार्यकर्ताओं की तमाम कोशिशों के बावजूद बल्लभनगर में शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत 71.85 तक ही पहुँच पाया, जबकि 2018 के चुनाव में यहां कुल मतदान प्रतिशत 75.71 रहा था। धरियावत में करीब 66% मतदान हुआ है। इस उपचुनाव में हुए मतदान से साफ हो गया कि बल्लभनगर में उपचुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल बनता नजर आया, उसके मुकाबले मतदान के प्रति मतदाताओं ने जोश कम दिखाया। इसी कारण यहां पिछले चुनाव के बराबर भी मतदान नहीं हो पाया है। इससे हार जीत की गणित पर भी असर पड़ना तय है। बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 2 नवंबर को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में होगी।